Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Muazzaz Sameen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो मैं हूं जी उस्मान खालिद और आप YouTube चैनल देख रहे हैं। तो जिस तरह की मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं आपको कल जो पूरी एप्लीकेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारा प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन बैड लक ये है कि अभी तक जो PSDA का ये जो सिस्टम है, ये जो वेबसाइट है, ये जो पोर्टल है ना, उसमें कुछ गलतियाँ जो है ना जाहिर हो रही हैं, तो मैं उनकी निशानदेही करना चाह रहा हूँ। तो आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना, तो वो जो है वो टीम लगी हुई है, तो अपना होपफुली कि कल तक जो है वो मामला ये हल हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने जब अकाउंट में लॉग इन होते हैं तो इस तरह आपके सामने ये इंटरफेस आता है एप्लीकेशन स्टेटस का। तो आपने व्यू में जाना है जी। इधर जैसे ही हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपने जितने भी स्टेप जो है वो प्रोसेस किए हुए हैं तो आप के सामने वो आखिरी जो स्टेप है ना वो उधर आप आ जाएंगे, जिस तरह की अभी तक जो है हम जो है वो 11वें स्टेप पे पहुंचे। तो नेक्स्ट तो 12वां स्टेप जो है इसमें आप एफिडेविट अपलोड करते हो, और उसके बाद जो 13वां स्टेप है जहाँ पे हम फंसे हुए हैं वो जो है वो फीस पे का है। तो अभी तक यहाँ से चलान जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आया, तो अभी तक जो काफ़ी लोग हैं इस पे फंसे हुए हैं और परेशान है, पता नहीं क्या इशू है, क्या इशू है। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ये ज़ाहिर है उनकी तरफ से इशू है, तो ये जो है जल्द अज जल्द इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो मैं आपको जो गलतियाँ हैं वो उसकी निशानदेही करवाना चाह रहा हूँ, जिस तरह ये प्रीवियस पे जैसे हम प्रीवियस स्टेप्स पे जाते हैं। ये देखें जी, तो यहाँ पे जो लैब एंड इक्विपमेंट की डिटेल है इसके आप पीछे जाएं, फिर इसके कोर्सेज जो है वो रजिस्टर्ड कोर्सेज है उनकी डिटेल है आप इसके पीछे जाएं, तो यहाँ पे आपको ये जो फोटोज मिलेंगे जो आपने अपलोड की हुई हैं, तो इसके साथ अगर हम पीछे जाएं मजीद तो ये आपको आपकी जो ओनरशिप है कि आप ये रेंटेड है बिल्डिंग या ओन्ड है, तो ये 7 स्टेप। अच्छा, ये जो स्टेप है ना 6 स्टेप है जहाँ पे लिखा हुआ है फुल डिटेल ऑफ बिल्डिंग एज पर स्केल्ड मैप। तो यहाँ पे ये देखें हमारे कमरे जो क्लासरूम है कम लिखे हुए हैं, लेकिन ये देखें इधर उसने खुद खुद 16 कर दिया है। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर लैब की बात करें तो हमारे पास जो कंप्यूटर की लैब है वो एक ही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास सिस्टम ज्यादा है, तो इन्हें लैब की बजाय जो है क्या हुआ है, ये देखें कंप्यूटर लैब है ना तो हमारे पास एक लैब है, लेकिन कंप्यूटर कितने हैं 43 है, उन्होंने लैब की बजाय 43 इधर कर दिया हुआ है। तो ये सिस्टम का एरर है, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप इंतज़ार रखें, तो जो है वो इंशाल्लाह ये जैसे ही वो अपडेट कर देंगे सिस्टम तो आपकी जो सारी गलतियां हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह हम प्रीवियस स्टेप पे जाते हैं मजीद ही। ये बिल्डिंग लेआउट प्लान है 15वां स्टेप है, इसके अलावा ये फिर वो स्टेटमेंट के हवाले से है, इसके अलावा ये NTN सर्टिफिकेट के हवाले से है, इस तरह ये फोटो कापीज को अपलोड करने के हवाले से है। अच्छा, ये जो पहला स्टेप है ना इसमें अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे ये CNIC नंबर आप एंटर करेंगे ना, आगे स्टेप पे जाएंगे जब प्रीवियस आएंगे फिर आपसे वो मांगेगा। ये देखें जी, हमने एंटर किया हुआ लेकिन वो फिर मांग रहा है, तो इधर मैं लिख देता हूँ जी, इधर इस तरह नंबर ऑफ कोर्सेज जो हमने 3 किए हुए हैं, तो इसको हम ये नंबर भी ये देखें ये बार बार जो है इसको हम दोबारा इधर कर लेते हैं। देखिए इसको हम जैसे ही सेव करेंगे और जैसे ही हम प्रीवियस जो है ना वो आएंगे ना इधर, ये प्रीवियस ये देखिए। अच्छा, अब हम जाते हैं, देखिए इधर जो नंबर है ना वो उसने दोबारा खत्म कर दिए, तो ये सिस्टम एरर है, इसमें जो है वो परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये सिस्टम के लेवल पे एरर है। तो इंशाल्लाह जैसे ये सही होता है तो मैं बर वक्त जो है जो इसकी जो इतला है वो इंशाल्लाह वो मैं जरूर दूंगा। इस तरह ये देखें जी, इस तरह हम वापस आते हैं जी, पहले स्टेप पे देखते हैं कि वो आईडी कार्ड जो है वो हमें बार बार वो जो है वो उसको करना पड़ता है जी ऐड। ये देखें जी, तो इस तरह देखें नहीं जी, तो बहरहाल ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, लेकिन ये अभी तक फोन नंबर वाला ये देखें ये प्रॉब्लम अभी बाकी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो अपडेट है इसको आप ने सुन लिया होगा, तो इसलिए आप जो है वो अभी वेट करें, तो इंशाल्लाह जैसे ही वो सही होता है सिस्टम अपडेट होता है तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस हो जाएगी जी। बहुत शुक्रिया जी।